और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां हाकम सिंह सुसाइड केस में शनिवार को आरोपी टीआई की दूसरी पत्नी को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। पुलिस ने कोर्ट से रेशमा की वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए अनुमति भी मांगी है, जिसे लेकर कोर्ट ने एक दिन का रिमांड पुलिस को सौंपा। वहीं निलंबित रंजना को अब पुलिस सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले पुलिस की टीम रंजना को लेकर धामनोद भी पहुंची थी, जहां केस के संबंध में दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। टीआई हाकम सिंह केस में अजाक थाने में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। शनिवार को एएसआई रंजना खांडे की रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहां पुलिस ने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। इस मामले में पहले कोर्ट ने रेशमा से पूछा कि वो इसके लिए राजी हैं कि नहीं। वहीं रंजना के वकील की सहमति मिलने के बाद कोर्ट ने एक दिन के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है। रंजना की वॉइस रिकॉर्डिंग को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। इसके पहले पुलिस की एक टीम रंजना को लेकर धामनोद स्थित उसके घर पहुंची थी, जहां उसे भाई की मौत के बारे में पूछताछ की गई। यहां से कुछ दस्तावेज जब्त कर पुलिस इंदौर वापस लौट आई। इसके साथ ही टीआई हाकम सिंह की दूसरी पत्नी रेशमा उर्फ जागृति से भी अजाक थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने रंजना से उसके गुम हुए मोबाइल को लेकर भी पूछताछ की। पूछताछ कर रहे अफसरों ने कहा है कि मोबाइल कहां छिपा दिया। रंजना ने जवाब देते हुए कहा कि मोबाइल घटना के बाद से नहीं मिला है। रंजना ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मोबाइल पुलिस के पास ही है। हालांकि पुलिस को ये भी आशंका है कि रंजना का मोबाइल उसके भाई कमलेश के पास होने की आशंका थी, जिसके चलते रंजना के धामनोद स्थित घर पर भी रंजना का मोबाइल ढूंढा गया, लेकिन नहीं मिला। टीआई की गोली से घायल रंजना के कान का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। पहले दिन पुलिस ने जब उसे पकड़ा था तो उसके बैग में दवाई मिली थी, जिसे लेकर पुलिसकर्मियों ने अफसरों की अनुमति से रंजना को दवाइयां उपलब्ध कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।